किस दिग्गज नेता को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारेगी, आज इस खबर के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों तक एक अहम खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आप द पब्लिश देख रहे हैं। इस समय हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के दो ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें भाजपा टिकट दे सकती है। आखिर ऐसा कौन सा नेता होगा जिसे भाजपा टिकट देगी, ये सब बातें जानने के लिए आज हम नगरोटा के जितने भी दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन तक हम पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार रहेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा लोकप्रिय नेता है जिसे लोग चाहते हैं कि भाजपा टिकट दे। तो आइए अब सीधा लोगों से ही जानते हैं। नगरोटा के कैटरिंग की दुकान है, यहाँ पर दो भाई साहब बैठे हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे, भाई साहब अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है प्यारे लाल वर्मा। प्यारे लाल जी, आप कहाँ रहते हैं, नगरोटा में? हाँ जी, हाँ जी। तो विधानसभा के चुनाव, अभी आपको पता है तीसरे चरण के चुनाव होंगे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि आखिरी फेज के चुनाव जब होंगे वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। तो कौन सा ऐसा दिग्गज नेता है जिसे आप चाहते हैं कि भाजपा टिकट दे? सर देखिए, काम के हिसाब से तो देखा जाए तो देवेंद्र सिंह राणा ही डिजर्व करते हैं, तो जो काम उन्होंने किए हमारे एज MLA, तो उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं। तो एक भाई साहब और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। सर सुदर्शन कुमार। सुदर्शन जी आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पर टूल पोस्ट पे। अच्छा, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आप। तो आप हमें ये बताइए कि भाजपा 2024 के चुनावों में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन से दिग्गज नेता को टिकट दे जो आपका लोकप्रिय नेता है, और लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों में रहते हैं, आप जानते होंगे कि कौन सा नेता सही है और लोग क्या चाहते हैं यहाँ के। देखो लोगों का तो पता नहीं, मैं अपने मन की बात कहता हूँ, जो दिग्गज नेता है जिसके मुकाबले कोई नहीं है वो देवेंद्र सिंह राणा जी। नगरोटा की एक कार गैरेज की शॉप है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। भाई साहब काम में लगे हुए हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन 5 मिनट जरूर इनके रहेंगे। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। श्याम कुमार वर्मा। श्याम जी आप कहाँ रहते हैं? नगरोटा में। नगरोटा में। तो 2024 विधानसभा के चुनाव है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में थर्ड फेज में चुनाव है, यानी कि आखिरी चरण में चुनाव होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारे? देखिए मेरे आइडिया से या मेरे मतलब देखने नज़रिए से तो देवेंद्र सिंह राणा साहब ही बेटर सभी से हैं जी। आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता यहाँ पर आने वाले समय में काम करवा पाएगा और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट करवा पाएगा? देखिए उन्होंने पिछले दौरान भी बहुत से काम करवाए हैं यहाँ पे, और जो अभी नए चुनाव आएंगे तो शायद उनसे ज़्यादा उम्मीद है हमें बाकियों से। माम हमारे साथ आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो दो दिग्गज नेता हैं भाजपा किस नेता को टिकट देगी वो तो समय बताएगा, लेकिन लोगों की क्या मांग है कि भाजपा इस नेता को टिकट दे। सबसे पहले भाई साहब का नाम जानेंगे, आपका नाम? मेरा नाम रामलाल शर्मा। रामलाल जी आप कहाँ रहते हैं? मैं नगरोटा में रहता हूँ जी। मेरा ये ओपिनियन है कि जिसको नरेंद्र भाई मोदी टिकट देंगे उसी को मिलना चाहिए, ये नहीं है कि किसको ये करना, जो नरेंद्र भाई मोदी जिसको टिकट देंगे बीजेपी का हम उनके साथ ही। आपका क्या नाम है? देवेंद्र पाल शर्मा जी। आप भी नगरोटा से? नगरोटा से ही हैं हम। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के दो दिग्गज नेता हैं जहाँ तक हमने स्टडी की है। हम नॉमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आदमी वो हमारे हैं जी। राणा साहब भी हमारे आदमी हैं, हमारी पार्टी के आदमी हैं, और नंद किशोर जी भी हमारी पार्टी के आदमी हैं। पिछली बार टिकट पार्टी ने नंद किशोर को दी थी तो हमने वोट नंद किशोर जी को दिया था, लेकिन इस बार हम उसी को वोट देंगे जो पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी, चाहे कोई भी होगा वो। इसमें ये नहीं है कि नंद किशोर होंगे, राणा साहब होंगे, कोई होगा, जो जिसको पार्टी टिकट करेगी हम उसके साथ। बस वो सिर्फ भाजपा का चेहरा होना चाहिए, भाजपा का चेहरा होना चाहिए, जो भी होगा जिसको पार्टी टिकट करेगी हम भाजपा के साथ। इनका नाम जानेंगे। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल शर्मा। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं नारायण गाँव में रहता हूँ। नगरोटा में? नगरोटा। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दे? देखो हम भाजपा के साथ हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी टिकट देंगे हम उसी को वोट करें। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, सबसे पहले क्योंकि नाम जानना बड़ा जरूरी है, किस जगह से रहते हैं ये भी आप लोगों को बताना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुरेंद्र पाल। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। विधानसभा के चुनाव ना शुरू हो जाएंगे सितंबर में, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव है वो आखिरी चरण में है, यानी थर्ड फेज में। तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को यहाँ पे उतारे? देखो जी, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको भी उतारेंगे हम पार्टी के साथ हैं, हम अपनी पार्टी को आगे लेने के लिए हर संभव मदद करेंगे, लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि हमारी पार्टी के साथ मिलो। मोदी जैसा हमें नेता कभी नहीं मिला है और ना कभी मिलेगा। की दुकान पे हैं, दूध वाली दुकान है, दूध दही की, और भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं जो दुकान के ऑनर हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये किस नेता को चाहते हैं कि भाजपा इस मैदान में उतारे, यानी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारे। सबसे पहले भाई साहब का नाम जानेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या? देशराज। देशराज जी आप कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते, टूल पोस्ट पे, नगरोटा में ही। 2024 विधानसभा के चुनाव हैं, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में दो दिग्गज नेता हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस नेता को टिकट दे?
मोदी को ही जी, मोदी को, मोदी को। लेकिन दो नेता हैं यहाँ पे ना, जो असेंबली जो जो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे यानी एमएलए के, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि दुकानदारों के पास पहुँचा जाए, क्योंकि इनके पास रोज के कितने कस्टमर आते हैं, इनको थोड़ा सा ये भी जानकारी रहती है कि लोगों का प्रिय नेता कौन है। तो भाई साहब इनसे जानेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी आप कहाँ रहते हैं? मैं लोकल में नगरोटा के। तो विधानसभा चुनाव 2024 के शुरू होने वाले हैं, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव हैं वो तीसरे चरण में होंगे यानी कि आखिरी चरण में। तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को यहाँ पर टिकट दे? देखिए हमारे पास तो दो ही कैंडिडेट हैं, एक तो दिवेंद्र सिंह राणा जी और दूसरे वो जूल जी के भाई हैं, वो नंद किशोर जी। अब ये टिकट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी, उनको देनी है, किसको मिलती है हमारे लिए जो भी आएगा हमें एक्सेप्टेड है। नगरोटा की एक मिठाई वाली दुकान पर हम मौजूद हैं और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये किस दिग्गज नेता को चाहते हैं कि भाजपा टिकट दे। भाई साहब आपका स्वागत है, आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे सितंबर में और नगरोटा में थर्ड फेज में चुनाव होंगे यानी कि आखिरी चरण में चुनाव होंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को यहाँ से टिकट दे? भैया जिसको मर्जी मिले, हम तो बीजेपी को भी वोट देते हैं तो हम उसको ही देंगे नेता जो भी आ जाए। एक तो नंद किशोर है, एक रैना है जी, जो भी आ जाए हम तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। हमारे साथ एक और भी भाई साहब है, सबसे पहले इनका नाम लेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेश शर्मा है। आप कहाँ रहते हैं? हम नगरोटा में ही रहते हैं। हम स्टार्टिंग से बीजेपी को ही लाइक करते आए हैं, तो हमें नंद किशोर जी आ जाए, राणा साहब आ जाए, जो आ जाए हमें उनके लिए प्रिपेयर है। के साथ एक दुकान है, ये भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आती है। हमारे साथ भाई साहब है, भाई साहब से पहले नाम जानेंगे कि इनका नाम क्या। भाई साहब का नाम क्या? शशिपाल शर्मा। शशिपाल जी, विधानसभा चुनाव 2024 सितंबर में शुरू हो जाएंगे और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव हैं, जो वोट हैं, वो आखिरी चरण यानी थर्ड फेज में पड़ेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को यहां से टिकट दे? क्योंकि दो दिग्गज नेता हैं यहां पे जिन्हें भाजपा टिकट दे सकती है, आपका क्या मानना है कि किस नेता को टिकट दी जाए? हमारा यही मानना है जो जहां पे काम शाम कराएगा उसी को टिकट देनी चाहिए। अच्छा, तो यहां पे काम शाम तो इस टाइम हमारे यही करवा रहे हैं रैना साहब। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ और लोग हमें मिले हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनका प्रिय नेता कौन है और ये क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को टिकट दे। भाई साहब आपका नाम क्या? जिमरे सिंह। सर आप कहाँ रहते हैं? कोरजगीर। नगरोटा में ही है भी? हाँ, नगरोटा। तो विधानसभा के चुनाव ना शुरू हो जाएंगे सितंबर में, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव है वो आखिरी चरण में होंगे यानी कि लास्ट फेज में, तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को टिकट दे? टिकट देखो अच्छा आदमी होना चाहिए जी, हमें तो चाहते हैं कि अभी जूल कुछ और को नहीं मिलनी चाहिए टिकट, तो अपने जो नहीं है क्या बोलते हैं उसको राणा साहब, उनको मिल जाए। भाई साहब इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं कि किस दिग्गज नेता को यहाँ से भाजपा के द्वारा टिकट दी जाए। भाई साहब का नाम क्या? मेरा नाम इस्लाम अहमद है। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को यहाँ पे उतारे? अच्छा काम करने वाला, वो अच्छा है। फास्ट टैग लगाना गाड़ियों में अनिवार्य है, लेकिन आज हम विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे साथ भाई साहब हैं जो हाईवे में लोगों की गाड़ियों में फास्ट टैग लगाते हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी रहने वाले कहाँ से रहते हैं ये पूछेंगे। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम सचिन है जी। आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत ही आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो विधानसभा के चुनाव 2024 के ना सितंबर में शुरू हो जाएंगे, हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव हैं वो लास्ट चरण में है यानी कि आखिरी चरण थर्ड फेज में, आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को इस मैदानी चुनाव में उतारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में? हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में दिवेंद्र राणा जी हैं। क्या काम करवाए उन्होंने, क्या लगता है आपको? उन्होंने बहुत काम करवाए, हर एक चीज करवाई है उन्होंने। तो आने वाले समय में जब इलेक्शन के चुनाव हो जाएंगे, जो भी नेता चुना जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जिससे आम जनता को फायदा मिल सके? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक चीज होनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए सबको। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता या फिर युवा वोट कह लें, ये भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और नगरोटा में कौन सी जगह से रहते हैं ये भी आपको बताएंगे। भैया आप नगरोटा में कहाँ रहते हो? मैं पांचगिरी में रहता हूँ, बड़ी सेरी में। भैया आपको पता है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ना इस बार भाजपा के दो दिग्गज नेता हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा किस दिग्गज नेता को यहाँ पे चुनाव में उतारे? मैं तो चाहता हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा जी को इस बार उतारा जाए, क्योंकि वो जब पहले एनसी में थे उन्होंने बहुत से काम किए, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी वो पर्सनली, मैंने उनसे खुद बातचीत की है, मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो ना हमने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सिटी की दुकानों में भी काफ़ी दुकानों में गए, तो हम तो यहाँ नहीं रहते, हालांकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी यही है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन आप यही के हैं, आपको क्या लगता है कि नगरोटा के लोग किस नेता को ज़्यादा चाहते हैं यहाँ पे? देवेंद्र राणा जी को ही ज़्यादा चाहते हैं।